के लिए इसका आयोजन किया गया है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए और स्वागत की भावनाएं अब हम संप्रेषित करेंगे हमारे माननीय प्रथम किस्त का भुगतान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह की तमाम स्मृतियां। धन्यवाद माननीय। और इसके लिए सतत प्रयासरत है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदान करें और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं, जरूरत होती है। और एक ऐसी उम्र का पड़ाव, एक ऐसा पड़ाव जिसमें सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है, ऐसे में विचार करते हुए एक अभिनंदन के लिए और आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डाल जोड़ना, उनका आधार वेरीफाई करना, जिससे लाभुक वर्ग आंगनबाड़ी केंद्र में मंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों नव चयनित सेविका और सहायिका को व्हील चेयर, क्रच और विभाग द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति योजना का क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जाए। हिंसा उत्पीड़न से बचाव के लिए वन स्टॉप सेंटर का परिचालन गतिविधियां आयोजित की जा रही है तथा योजना के विषय में जानकारी। और आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक ऐसा पड़ाव जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वर्ष के नए पेंशन धारियों को स्वीकृति पत्र देकर नीचे स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाना है। आपकी तालियों के बीच जोरदार तालियां। और सब मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना नागेश्वर उरांव जी, फागन लोहराइन मांडर हैं, फागन लोहराई जी जो मांडर से हैं, इनके बाद आएंगे। और आज कुल पूरे राज्य भर के 736 लाभुकों को और इनके बाद आएंगे सिल्ली से, तालियां हो आपकी तरफ से, संरचनाओं से परिपूर्ण करने का संकल्प रखती है राज्य सरकार। पोषण वाटिका का निर्माण, वर्षा जल संचयन के ये सक्षम आंगनबाड़ी बुकलेट, इसके साथ ही साथ पोषण धारा पर तालियां आपकी तरफ से जरूर होती रहें। सभी लोग हवा में हिलाकर दिखाइए। श्री महोदया के लिए श्रीमती कार्यरत हैं, जो अत्यंत कम मानदेय पर भी कार्य कर रही थी और आज राज्य की वर्तमान पर विचार करते हुए मानदेय पर जिसमें मैक्सिमम शेयर जो है वो राज्य सरकार। वेब पोर्टल का उद्घाटन करें ताकि हर क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति, कोई भी शोषित वंचित सक्षम हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का शुरुआत शुभारंभ का स्वागत करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। धन्यवाद। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाखों बेटियों के सपने हो रहे साकार। योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से 2023-24 में डुमरदगा की रिया कुमारी, तालियां हो, तालियां आपकी ओर से जरूर होती रहें। हर बार 2500 क्रमशः इन्हें प्रदान किया जा रहा है। पूरे राज्य में 896 चयन पत्र प्रदान कर आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर। ये 2 साल में कि हम लोग देखा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय है और इसीलिए पहले कोई गांव जाते थे, कोई बुढ़ा मां बाप से मिलते थे पेंशन के बाद ही आपको पूछते थे या आपसे जानने का प्रयास करते थे। ये स्थिति इस समय में ये हेमंत बाबू ने सोचा
कि मेरा इस धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी और यहाँ का मूलवासी ये स्थिति में है। इसीलिए ये सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया, हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का एसटीएससी का महिला, ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया, जो आज 1,58,218 परिवार को हम लोग जो 50 साल उम्र के है उनका शुरुआत करने जा रहा है पेंशन देने का। इसलिए आज का हमारा बहन बेटिया, आंगनबाड़ी की सेविका या हम आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम लोग अच्छा व्यवस्था देने जा रहा है। हर चीज को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 3 साल का बच्चा 6 साल के बीच में आंगनबाड़ी, उसका किस तरह से हम लोग हर आंगनबाड़ी केंद्र को हम लोग सही हम लोग भजन हम लोग दे सके, ताकि वो बच्चा अपना आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए उत्साह बढ़े, परिवार का भी उत्साह बढ़े कि आज वहां जाके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उनको हर सुविधा खाने से लेके हर चीज उनको मौका मिले। यह पोषण हमारा इसमें भी बहुत सा हमारा कुपोषण की बात है, उसको कैसे करके हम लोग सही करेंगे। हमारा हमारा बहन बेटी ने बहुत मेहनत किया है, कैसे करके हम लोग उनको पौष्टिक आहार देंगे, वो सार्थक की आने वाला दिन ये कुपोषण का जो है वो चीज नहीं रहे, ये सरकार की इतना सोच है ताकि हमारा छोटा बच्चा किसी तरह का तकलीफ ना हो आने वाला समय, बड़ा हो कि उसका शरीर मजबूत बने, लेकिन उसका शुरुआत में ही उसको पुष्टि का आहार देना जरूरी है। ये सरकार का सोच है कि हम अपना एक संसार में, अपना सामाजिक व्यवस्था में हम ऐसा साफ सुथरा व्यवस्था लाएंगे ताकि किसी दिन कुपोषण की बात नहीं आए। हमारा बच्चों, हमारा जो बच्चा बच्ची है उनको अच्छा पौष्टिक आहार शुरू से मिले, ताकि आने वाला समय, ताकि उनका किसी प्रकार का शरीर में कमजोरी नहीं आए, अच्छा शरीर बने, तभी जाके अच्छा स्वास्थ्य रहने से ही आगे के अच्छा सोच भी कर सकते हैं, आगे की इस राज का काम में लग सकता है। छोटे बच्चे वगैरह को देती है और डे केयर टाइप का वो ट्रेस भी आंगनबाड़ी सर ट्रेस उसका केस है सर, और उसको हम लोग एक छत के नीचे सारी सुविधाएं देते हैं, परामर्श की सुविधा, प्राथमिक उपचार की सुविधा, सेंटर की सुविधा। क्वेश्चन क्या है आप लोग चलिए ठीक स्किन के कहाँ से चलो इधर दिखाइए थोड़ा सा सर, इसमें आगे भी जा सकता है पीछे भी जा जा सकता है। मानो जी हो सकता है 50 किलोमीटर बिल्कुल आरटीओ वाले पर है तो
ठीक है। कितना दिन तक ये चलेगा सर? ये इनका जो है कि जब तक ये हेयरिंग एयर खराबी होती तो भी दो साल तक जब भी बैटरी खराब होगी तो कंपनी जाकर के फिर से इनको आ जाएगी। कंपनी कहाँ से? ये लोगों को कैसे संपर्क? सरकार ये हमारे सीआरसी नाम को मेल सेंटर से ऑफिस है ये लोग? हाँ सर, ये गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है। ये अच्छा लो विजन है, दिखाई नहीं देता है, तो इनके लिए स्मार्टफोन है जिसमें की सारी एप्स इसमें है, जो ये सारा फोन बोलेगा सर, तो ये वाइब्रेट करता है जब कोई ऑब्स्टिकल सामने आएगा। तो चले इनकी जी, तो ये सर दो ये बोल भरा है, ये बोल स्कूल लेते देते जाइए। ये कटोरा आप रख लीजिए, ये दिन इतने जाए है ना? खुश हो जाएगा बच्चा रे। ये इधर के लिए है, ये आंगनवाड़ी तुम जोहार करो, आपके जोहार हमें जोहार कर रहे तुमको।